तखतपुर से लगा निगारबंद गांव इन दिनों राइस मिल के चलते दुर्दशा के आंसू रो रहा है। कुछ वर्ष पहले यहां एक राइस मिल बना, देखते ही देखते यहां एक ही जगह पर करीब 5 राइस मिल संचालित हो रही हैं, जिसके चलते यहां से निकलने वाला भूसा पूरे गांव में फैल रहा है। ग्रामीणों को सांस लेना भी मुश्किल हो गया, कई ग्रामीणों को तो सांस की समस्या भी उत्पन्न हो गई है। मिल से धूल धक्कड़ से बहुत परेशान है, और यहां जासवार राइस मिल के नाम से 3 राइस मिल संचालित है, आशीष अग्रवाल के नाम से 2 राइस मिल संचालित है, और एक राइस मिल अभी निर्माणाधीन है। एक ही जगह 6 राइस मिल होने के कारण पूरा हम चांदनी चौक मोहल्ले वासी इतना परेशान है, जिसके कारण हम लोग CM के कार्यक्रम बिलपान में आवेदन दिए थे कि इसका निराकरण होना चाहिए करके, जिसमें आज बिलासपुर से आए थे जांचकर्ता अधिकारी, उसके सामने जांच हुआ है तो बोले कि धूल धक्कड़ है और ध्वनि प्रदूषण भी बहुत होता है भैया, और एकदम महाराज जैसे मानसिक संतुलन भी करते हैं, और कई जने दमा से भी परेशान है, मैं खुद दमा से परेशान हो गया हूँ इस टाइप का। और मिल को देखने आए कितना मिल संचालित है करके, तो जैसा इस मिल में आए तो आप लोग शिकायत कर दिए, अब हम ऊपर उसको सामने देख बना लेंगे, ऐसा करके बोल रहे थे। इस टाइप के बोलने से ऐसा महसूस होता है कि हमारे आवेदन पर कार्रवाई नहीं हो पाएगी इन लोगों के ऊपर, यही है भैया हम लोगों की शिकायत। ग्राम पंचायत व ग्राम वासियों के द्वारा कई बार राइस मिल संचालकों को इस समस्या के बारे में अवगत कराया जा चुका है, इसके बावजूद भी संचालकों के द्वारा कोई भी ऐसा प्रयास नहीं किया गया जिसके चलते निगार बंद वासियों को राहत मिल सके। मजबूर होकर ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत के साथ बेलपान में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी लिखित तौर पर इस समस्या से अवगत कराया और गुहार लगाई कि हम ग्राम वासियों को इस समस्या से छुटकारा दिलाएं। मैं वार्ड क्रमांक 11 पंच प्रतिनिधि बोल रहा हूं। जो जसवार राइस मिल है वहां का जो कर्मचारी है वो बाहर गंदगी फेंक जाते हैं जसवार राइस मिल में, यहाँ तक शौचालय नहीं है, धूल धक्कड़ भी बहुत परेशानी है हमारे यहाँ, हमारे मोहल्ला परेशान है। मैं जनप्रतिनिधि के नाम से बोल रहा हूँ कि यहाँ गर्दा डस्टबिन है, जो हमारा पंचायत है वो उसमें अमल करे, इसको जल्द से जल्द निराकरण करने की महान कृपा करे। ग्रामीणों के विरोध करने का भी राइस मिलर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, वह खुलेआम ग्राम वासियों को चुनौती दे रहे हैं, जिसके पास जाना है जाओ, जो करना है कर लो, आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये का है, ये राइस मिल बने ना एक कारण ना पूरा चांदनी चौक मोहल्ला वासी का बहुत घड़ा परेशान था, ये धूल धक्कड़ पूरा सब मन अपन व्यवस्था नहीं करा थे, यहाँ तक के अपन सेफ्टी घड़ा नहीं बनवाए, ये सब पानी पेशाब करा थे साले खुले आम करा थे, और यही सब लोग देखते हुए भी आज गंदगी फैला थे पूरा हमारे तालाबे, ये हम जाके प्राइवेट स्थल में बैठ के बिगाड़ा थे पूरा रद्दा बात ला, तो अटके कहा था भैया अपन सब पूरा जनता परेशान है देखा से, और एक ज़्यादा का बोला हूँ अब तो वही जिन हम हेमंत भाई कहते तो ही सब है, तो उन्हें बात सारे बोलत बोल रहे दूसरिया का दोहरा। निगारबंद के ग्रामीण मिल से निकल रहे दूषित हवा से परेशान हो चुके हैं, शासन के समय न्याय के लिए गुहार लगा चुके हैं। उनका कहना है कि अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हमें उग्र आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। मुंगेली जिला ब्यूरो शील पाठक की रिपोर्ट।